अपने सावजी भोजनालय में आकर गुंडागर्दी एवं ग्राहकों से गाली गलौज करने वाले ग्राहक को मना करने पर सावजी भोजनालय के संचालक पर जानलेवा हमला करने की घटना लकड़गंज पुलिस स्टेशन अंतर्गत सामने आई है, जिसमें आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। जूनी मंगलवार कोलबा स्वामी चौक निवासी धर्मराज दूल्हे वाले घर में ही सावजी भोजनालय चलाते थे और इसी दौरान बस्ती के रोहित चांदेगर अक्सर भोजनालय में आकर गाली गलौज कर ग्राहकों को भगाने का काम करता था। शुक्रवार की रात भी 8:30 बजे के करीब रोहित हर दिन की तरह शराब के नशे में आया और भोजनालय में बैठे ग्राहकों से गाली गलौज करने लगा। धर्मराज ने रोहित को भोजनालय में आने से मना किया तो रोहित तैश में आ गया और उसने धर्मराज पर ही लाठी से हमला बोल दिया। दिनांक 3/12 8:30 एक राज सावजी नावाचं भोजनालय जुनी मंगळवार कोलबा स्वामी चौकात, तिथे रोहित नरेंद्र चांदेकर नावाचं एक इसम गेला आणि त्याला दारू पिण्यासाठी मनाई केली असता त्याने रोहित सावजीचा राज सावजीचा मालक धर्मराज दुलेवाले याला काठीने पायावर मारून जखमी केले। कलम 326 पोलीस स्टेशनला गुन्हा नोंद आहे। आरोपी रोहित चांदेकर याला अटक केलेली आहे। सध्या तो MCR-वर आहे। हमले में धर्मराज के एक पैर की हड्डी टूट गई है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि परिसर में कई सावजी भोजनालय हैं और माना जा रहा है कि किसी के बहकावे में आकर प्रतिस्पर्धा के चलते रोहित ऐसा काम कर रहा था। NBC न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।